हेलो दोस्तों, आज जैसे शुरू करेंगे अपनी चौथी वीडियो साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो असी कर रहे हैं ईटीटी के सेकंड पेपर की तैयारी। इस तो पहला असी तीन वीडियो दे विच काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। अज साडा मेन फोकस रहेगा एमसीक्यू के उपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के उपर। इस सारे क्वेश्चन मैं अपने वालों नहीं बनाए, बल्कि यह पुराने सालों के पेपर के आए हुए क्वेश्चन ने जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिमें पी टैट के पेपर इदा के काफ़ी एग्जाम ने जिन्हें क्वेश्चन आए हुए हैं। साडे ई टी टी के पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साडा पहला क्वेश्चन है, किहड़ी धातु तरल रूप में कमरे के तापमान से रह सकती है? विच मैटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टैंपरेचर? थोड़े ऑप्शन ने, पहला है सोडियम, फिर ब्रोमीन, फिर मरकरी एंड लास्ट से हैगा एलमीनियम। तुसी प्लीज अपने अपने आंसर देने की कोशिश करनी, अपने अपने आंसर पहला ही फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा टाइम तुहानू दे सका ताकि तुसी आंसर सोच सको। अपना एनालिसिस लास्ट से तुसी खुद करोगे कि तुहाडे किन्ने नंबर बने ने टोटल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हैगा गा वो हैगा, क्योंकि मेटल पूछी है तो करके जो सही आंसर हैगा वो आऊगा इतने मरकरी, क्योंकि मरकरी की है मेटल। जो पुराने पेपर की बुनियाद पर ही नवे पेपर बनते हैं, मतलब कई बार जो पुराने पेपर होंगे ने उन्होंने एक एमसीक्यू के चार ऑप्शन होंगे ने, एंड उन्हें ऑप्शन तो ही एक नवा क्वेश्चन तैयार हो जाता है नवे आने वाले पेपर के लिए। जिमें अगर मैं इस क्वेश्चन की गल करा, इतों एक बी पार्ट चो एक क्वेश्चन बन सकता बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यही क्वेश्चन इदा हों विच नॉन मैटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टैंपरेचर, धात की जगह पर अधांत आ जाता या मैटल की जगह पर नॉन मैटल आ जाता, तो साडा आंसर उत्थे की बन जाना सीगा ब्रोमीन। सो इको क्वेश्चन के नाल असी दो क्वेश्चन कवर किए हैं। यही इस लैक्चर की खास गल होगी कि असी एमसीक्यू के ऑप्शन तो भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करांगे जो भी पॉसिबिलिटी हुई। साडा क्वेश्चन नंबर सैकेंड, एंड जो मैं क्लास पढ़ाया सीगा तो उत्थे मैं कहा सीगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सैल, किड़े निकड़े अंग नूं जां सैल अंग नूं सैल दा शक्तिकर कहा जांदा है? फटाफट आंसर देने की करो कोशिश, अपना एनालिसिस तुसी खुद आप करोगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर पावर हाउस ऑफ द सैल, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह आऊगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नूं पावर हाउस ऑफ द सैल कहा जाता है। बहुत ज्यादा बार एक क्वेश्चन रिपीट होगा। सो ये असी सारे ही पढ़े हुए ने, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या एंडोप्लाज्मिक जाल हो गया, केंद्रक हो गया। सो ये असी सारे ही पहला कवर करके आए हैं। सो ये वीडियो नंबर थर्ड नूं, सैकेंड नूं ते फर्स्ट नूं रैफर कर सकते हो। अगर थोड़ा डिटेल दे विच होर करना तो उत्थे जाके कर सकते हो। एंड एक होर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इतों बन सकता वह होंगे गा आत्मघाती पोटली, सैल की आत्मघाती पोटली किसनों कहा जाता है? तो उत्थे आंसर की सीगा साडा लाइसोजोम। सो दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो साडा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैटल्स, मैटल के लिए इन्हों नॉट ट्रू फॉर मैटल्स, कि धातां दे लई इन्हां दे विचों किहड़ी गल सही नहीं है? कि तीन तां सही ने एंड एक गल हो जूगी गलत, असी लभणी है कि गलत गल किहड़ी है। सो इह प्रॉपर्टी ऑफ मैटल दे विच असी पढ़िया गा। सो पहला डक्टिलिटी, एक बार करो कोशिश आंसर देने दे लई, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि जिहड़े बच्चे पुराने जुड़े हुए ने उन्होंने ये वीडियोज पहला ही देखिया हुई ने, एंड बहुत जल्दी विद इन अ सैकेंड वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आऊगा वो आऊगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन कंडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि बाकी तीनों ही गल्लां मैटल के लिए बिल्कुल सही ने। मैटल डक्टाइल होंदियां ने, डक्टाइल के इन्हां नूं असीं खिंच के तारां दे विच बदल सकते हैं। मैलेबिलिटी होंदी है इन्हां दे विच, मैलेबिलिटी का मतलब इन्हां नूं कुट के असीं चादरां दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कंडक्शन ऑफ हीट लिखा होया, बट असी पढ़िया जनरली जो मैटल्स ने जो धातां ने दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ये ऑप्शन इतने साडा सही नहीं है, एंड यही पूछा सीगा नॉट ट्रू। फोर्थ ऑप्शन रिंगिंग साउंड, मैटल्स असी पढ़िया सी सोनोरस होंदिया ने, अगर किसी किसी चीज़ नूं असी मारांगे मैटल के उपर तो आवाज प्रोड्यूस होएगी। सो ये सीगा साडा एमसीक्यू नंबर थर्ड।
एमसीक्यू नंबर 4। बकमिंस्टर फुलरीन हैज किन्ने कार्बन होंगे ने, किसी चीज बारे पूछे इन्होंने, बकमिंस्टर फुलरीन दे विच किन्ने कार्बन होंगे ने। सो रेगुलर लैक्चर दे विच मैं दस रहा सी तुहानू कि यह क्वेश्चन असी पढ़े सी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन दे भिन्न रूप। तुसी आंसर देने की एक बार कोशिश कर सकते हो। तो उत्थे डायमंड, ग्रेफाइट एंड अगर मैं तीसरा बोलिया सी कि जो बॉन्सी क्वेश्चन तुहाडे लई पेपर च हो सकदा उह सीगा बकमिंस्टर फुलरीन। ये तिन्ने ही कार्बन दे भिन्न रूप हुंदे ने एंड फुलरीन की जो शेप है फुटबॉल लाइक हुंदी है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो पहली डिस्कवर्ड फुलरीन सी या जो थर्ड एलोट्रॉप हुंदी है मेरी कार्बन की, उहदे विच किन्ने कार्बन होणगे, उहदे विच किन्ने कार्बन होणगे, 60। बकमिंस्टर फुलरीन याद रखियो उहदी शेप किदां दी हुंदी है, फुटबॉल शेप हुंदी है की है ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के भिन्न रूपां दे विच भी आ जांदा। दो होर हुंदे ने डायमंड ते ग्रेफाइट, ते कार्बन किन्ने हुंदे ने इहदे विच, 60 कार्बन हुंदे ने। सो इदां दे क्वेश्चन कई बार पेपर दे लई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकदे ने, क्योंकि पुराने सालों का एक क्वेश्चन हैगा ये एंड इहनूं एज इट इज चक के इस बार ईटीटी दे पेपर दे विच भी पाया जा सकदा है। सो हुण वधदे आं अपने क्वेश्चन नंबर 5 दे उपर। एलमीनियम फॉयल आर पॉसिबल बिकॉज एलमीनियम इज, एलमीनियम, एलमीनियम एक मैटल हुंदी है, धात हुंदी है। तुसीं देखिया होगा कि कई बार घरां दे विच रोटी के गर्म रहे उहदे लई असीं उहनूं फॉयल दे विच रखदे हां लपेट के, एंड एलमीनियम दी ही मिलके बनदी है। एलमीनियम नूं फॉयल दे विच आपां बदल सकदे हां, कारण क्योंकि ए ऑप्शन इमेलेबल है, बी सनोरस है, सी डकटाइल है, या डी लस्ट्रस है। हालांकि क्योंकि मैं एज इट ही इस क्वेश्चन नूं लिया होया पुराने सालों के पेपर तो, करके कितने कितने स्पैलिंग मिस्टेक काफ़ी है पेपर के, किमें तो लस्ट्रस आऊगा। तो इन्ना कसी कॉमन सेंस है साडे विच, इन्ना कसी समझ सकते हैं। सो फॉयल दे विच एलमीनियम फॉयल सब ने देखी होगी कि एक थिन शीट लाइक होंगी है एंड थिन शीट लाइक प्रॉपर्टी नूं असीं की बोलते हुंदे आ, मैलेबिलिटी। सो आंसर इत्थे की आजूगा साडा, ऑप्शन नंबर ए मैलेबल। सो ये रूटीन क्लास के जो आप पढ़ते हैं तो उत्थे बहुत विद पिक्चर भी असीं इन्हां चीज़ां नूं समझा होएगा। मैलेबिलिटी का मतलब कि जो धातां ने उन्हां नूं असीं पतलियां चादरां च बदल सकते हैं, एंड डक्टिलिटी का मतलब कि जो मैटल ने जो धातां ने इन्हां नूं असीं थिन वायर दे विच पतलियां तारां दे विच बदल सकते हैं। सनोरस का मतलब की हुंदा गा कि जदों इन्हां ते असीं कुछ मारदे हां तो साउंड प्रोड्यूस होगा। लस्ट्रस का मतलब की हुंदा कि धातां चमकीलियां हुंदियां ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा मैलेबिलिटी या मैलेबल। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विद। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है एंड अगर तुसी पता करना कि तुहाडे फूड दे विच स्टार्च है या नहीं तो किहड़े सोल्यूशन नाल टेस्ट कर सकते हो। बड़ा सिंपल जिहा आंसर है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो कि आंसर हो सकता। बड़ा सिंपल है आंसर आएगा, फर्स्ट आयोडीन सोल्यूशन। अगर तुसी किसी भी कार्बोहाइड्रेट से ड्रॉप पाओगे आयोडीन सोल्यूशन की तो उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया तो यह मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नहीं होया तो स्टार्च एबसेंट है। सो ए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये सी 6 क्वेश्चन जिन्हों ने असी पुरानी क्लास के भी डिस्कस किया, हुण थोड़ा पुरानी क्लासां दे नाल मिलदे जुलदे क्वेश्चन कवर करांगे। क्वेश्चन नंबर 7, ओ केड़ी मैटल है, द मैटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दे विच, हीमोग्लोबिन दे विच केड़ी धात पाई जांदी है। सानू सब नू पता है कि साडे ब्लड दा कलर, साडे खून दा रंग जिहड़ा गा वो लाल हुंदा गा एंड वो लाल किहदे करके हुंदा गा, हीमोग्लोबिन करके। एंड हीमोग्लोबिन दे विच, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दे विच ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਇਰਨ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਐਫ ਈ ਆਇਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੋ ਲੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਮ ਜੀ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। सो एट्थ क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन हैगा डिजीज नाल रिलेटेड, जो एड्स है, ठीक है, सारे जानते होंगे तुसी एड्स।
ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਏਡਸ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਕਿ ਏਡਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੋਸਕੀਟੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਏਡਸ। ਸੋ ਏਡਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਾਇਰਸ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ? ਨਾਮ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਡਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਕਵਾਇਰਡ ਅਮੀਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਐਂਡ ਵਾਇਰਸ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ। ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹਿਊਮਨ ਅਮੀਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਫਿਰ ਹੈ ਪਿਟਿਊਟਰੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਡੀ ਹੈ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਬਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਐਡਰੀਨਲਿਨ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜੋ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ, ਐਂਡ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਇਟਰ ਜਾਂ ਗਿੱਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਸੂਲਿਨ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਜਾਂ ਲੁਬਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਲਰ ਗੋਇਟਰ ਐਂਡ ਲੁਬਾ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਸੂਲਿਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੁਬਾ ਤੋਂ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਰਮਲੀ? ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੁਬਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ, ਅਗਰ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਐਡਰੀਨਲ ਹਾਰਮੋਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਫਾਈਟ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਹਾਰਮੋਨ, ਐਡਰੀਨਲ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਖੀਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹਾਰਮੋਨ, ਅਗੇਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਨਸੂਲਿਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੀ ਬੋਲਿਆ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਏ। 10 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਉਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
अगर मैं क्वेश्चन अपने को बनावा शायद वो इन्ने वैलिड ते इन्ने रिलायबल ना होन जिन्हें कि पुराने सालों के क्वेश्चन वैलिड ते रिलायबल होंगे ने। सो आई होप कि तुहानू समझ आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो नू वध तो वध लाइक करो ते चैनल नू सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।